लखनऊ से बड़ी खबर, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल भेजा गया है नवनीत सहगल को। एयर एम्बुलेंस से उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया है। लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में से पहले उनका इलाज चल रहा था सड़क हादसे में। कल नवनीत सहगल घायल हो गए थे, एयर शो से जब वो लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ था। सीएम अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। इस बीच तो फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में नवनीत सहगल को भेजा गया है। एयर एम्बुलेंस की मदद ली गई और फिर नवनीत सहगल को भेजा गया। उनकी हालत गंभीर है लेकिन डॉक्टरों ने कल ही कह दिया था वो खतरे से बाहर है। एक राहत की बात यह है वो खतरे से बाहर है। ट्रॉमा सेंटर में से पहले ट्रॉमा सेंटर में उन्हें रखा गया था और अब उन्हें मेदांता अस्पताल भेजा गया। कल मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने फौरन निर्देश दिया कि उन्हें मेदांता अस्पताल भेजा जाए। जो भी आधुनिक चिकित्सा सुविधा है वो नवनीत सहगल भैया कराई जाए, मुख्यमंत्री ने कल आदेश दिया था। और उसके बाद आज एयर एम्बुलेंस उन्हें भेजा गया। पहली तस्वीर जब उन्हें ले जाया जा रहा था लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर से और दूसरी तस्वीर जब उन्हें मेदांता में भर्ती किया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल एयर शो से लौटने के दौरान ही नवनीत सहगल हादसे के शिकार हो गए थे। सीएम अखिलेश यादव ने इस बीच उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे बातचीत की। डॉक्टरों ने कल ही कह दिया था नवनीत सहगल खतरे से बाहर है। उनकी पत्नी भी उनके साथ मेदांता पहुंची है, वो भी उनके साथ लगातार मौजूद है। थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट भी पहुंचेंगे ये लोग। उसके बाद एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से गुरुग्राम तक इन्हें ले जाया जाएगा।